मैं कहूँगी जूरी ने इस लायक मुझे समझा और ये अवार्ड मुझे दिया, बहुत खुशी की बात है, मुझे बहुत खुशी है और ये हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगा, तो अच्छा लग रहा है। किन के बारे में? मैं उनसे अभी मिली नहीं हूँ, उनसे मिलूंगी मैं अभी। बिग बॉस के बारे में मैं कुछ एक्चुअली कहना ही नहीं चाहती, बिकॉज लोग ही भी कुछ नहीं कह रहे हैं शो के बारे में। मुझे नहीं लगता कि बिग बॉस 13 में वो बात है, कुछ कोई खास बस नहीं है। मुझे ज्यादा कंटेस्टेंट्स भी नहीं पता, तो 2-3 कंटेस्टेंट्स जिनको मैं जानती हूँ, आरती, अबू मलिक और रश्मि है, इनको मैं जानती हूँ, तो इनके बारे में मुझे पता। बाकी मुझे और कोई पता नहीं है कि क्या हो रहा है घर में, कैसे कर रहे हैं, कुछ नहीं पता। मैंने एपिसोड नहीं देखा, पर थोड़े बाद इंस्टाग्राम पे जो वीडियोस आ जाते हैं मैं बस उसके बारे में ही जानती हूँ, बाकी मैं भी नहीं फॉलो कर रही हूँ ऑनेस्टली। अभी उसमें प्राची देसाई को अच्छा कर रही हूँ, रश्मि देसाई, देखती हूँ सलमान की वजह से, बट पूरा बिग बॉस हाउस में जो चल रहा होगा वो नहीं देखती। मतलब कोई खास बज नहीं है और कोई शो का कुछ भी नहीं है, ऐसे आज एक हफ्ता ऑलमोस्ट हो गया है पूरे शो का, और इनफैक्ट जितने लोग मुझे, मैं इवेंट्स के लिए जब ट्रैवल कर रही हूँ, दे पीपल कम अप टू मी, दे आस्क मी अबाउट द शो, मुझे कहते हैं कि उन्होंने मुझे बहुत पसंद किया, और जब मैं उनसे पूछ लेती हूँ कई बार कि आई होप यू एंजॉयिंग इट सीजन 13 नाउ, तो वो मुझसे पूछते हैं कि 13 शुरू भी हो गया, मतलब लोगों को ये बात पता भी नहीं है, तो वैसा कोई बज नहीं है, कुछ नहीं है, एंड आई थिंक मैं खुद भी नहीं एंजॉय कर रही हूँ शो। वो BFF का कोई कॉन्सेप्ट है, उनका फॉर्मेट है कि लड़का लड़की दोनों साथ में सोएंगे, कुछ तो ऐसा है, पर मैं उस पर कोई कमेंट भी नहीं कर सकती क्योंकि मैं शो फॉलो ही नहीं कर रही हूँ। मेरे खुद के ही इतने इवेंट्स हो रहे हैं, आप लोगों के सामने आई हूँ, आपके पास आई हूँ, यहाँ पर अटेंड कर रही हूँ, मैं खुद इतना ट्रैवल कर रही हूँ, डांडिया शोज है मेरे, तो मैं कहाँ से देखूँ, बस थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम पे देख लेती हूँ, बस उसी में मुझे थोड़ा बहुत आइडिया आ जाता है, बट नथिंग स्पेशल अबाउट दिस शो। बस खुशी इस बात की है कि इट्स बेटर लेट देन नेवर, कि देर से याद किया लेकिन अच्छा याद किया। लेकिन कहते हैं लाइफ टाइम अवार्ड का मतलब है रिटायर हो जाओ, मैं तो कल ही आई हूँ, मैं तो रिटायर होने वाली नहीं। थैंक यू वेरी मच दादा फाल्के, दे थॉट ऑफ मी, फादर ऑफ द इंडस्ट्री, जिनके मतलब वजह से हम यहाँ पर आज जो पूरे हमारी इंडस्ट्री जो है वो है, हमारा सलाम है उनको। बहुत सारे अवार्ड मिले, इतने अवार्ड मिले, लेकिन ये अवार्ड कितना स्पेशल, इट्स अ स्पेशल अवार्ड। आपको क्या कुछ याद है, ऐसे कुछ आपकी जिंदगी में बहुत सारे अवार्ड मिले होंगे, लेकिन कुछ अवार्ड ऐसे हो गए जो आपको बहुत याद है, कुछ आप शेयर करना चाहोगे? सबसे पहला अवार्ड जो मिला वो याद है, क्योंकि पहली बार फिल्म फेयर ने डिक्लेयर किया कि कोरियोग्राफर को अवार्ड मिलना चाहिए। 1-2-3 के ऊपर पिक्चर चल गई, पहले उन्होंने कहा था कि कोरियोग्राफी क्या होती है, 2-3 मिनट आते हो चले जाते हो, मेकअप मैन के जैसा 3 घंटे थोड़ी मेकअप करते हो, या आर्टिस्ट के जैसा 3 घंटे थोड़ी काम करते हो। फिर जब ये पिक्चर चल गई तो उन्होंने डोर ओपन करके अनाउंस कर दिया कि कोरियोग्राफी को अवार्ड मिलेगा। सो दैट इज अ गुड मेमोरी। और अनदर डॉलर ए आई गॉट ऑल स्वीपिंग अवार्ड, 17 अवार्ड मिले में। इतनी खुशी हो रही है क्योंकि दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलना मामूली बात नहीं है, और जो इतने साल से हम काम कर रहे हैं, तो अगर आपको अवार्ड मिले तो बहुत खुशी होती है कि पब्लिक तो लाइक कर रहे हैं, साथ में क्रिटिक्स भी लाइक कर रहे हैं, और इससे आपको इंकरेजमेंट मिलती है कि आप अच्छा काम बहुत ही अच्छा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है, बहुत रौनक है, बहुत एलाइटी लोग हैं, मतलब हर जगह सोशल सर्विस बिल्डर और अंदर जो है एक बात एलाइटी लोगों को ऑर्डर करने की बहुत अच्छी बात है।
सोशल वर्क है, कंस्ट्रक्शन है, मेडिसिन है, बहुत सारी व्यापक फील्ड है. और मैं उनको बधाई देना चाहूँगी मिस्टर जैना को कि उन्होंने इतना अच्छा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया. फिल्म इंडस्ट्री आ गई, इसके बाद टेलीविजन इंडस्ट्री आई, अब वेब सीरीज शुरू हुआ है, तो कितना बदलाव आपको लग रहा है? अच्छा है. मतलब जितना कलाकारों के लिए, टेक्नीशियंस के लिए, राइटर्स के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा संकेत होता है. हालांकि जब भी कोई नई चीज़ आती है तो लोग बोलते हैं ये ख़त्म हो जाएगी. जब थिएटर था तो जब फिल्में आई तो लोगों ने बोला थिएटर ख़त्म हो जाएगा, फिर टेलीविजन आए तो लोगों ने बोला फिल्में ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन और फिर अब वेब सीरीज आ गई, लोग बोल रहे टीवी ख़त्म हो जाएगा. लेकिन ख़त्म कुछ नहीं होगा, एक दर्शकों को एक बहुत अच्छी वैरायटी मिलती है कि वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि अच्छे अच्छे प्रोग्राम. हाउसफुल 4 का ट्रेलर देखा है? कल नोटिस जाएगा करनी सेना का शारिद नडियादवाला को, अक्षय कुमार को, फोक स्टार स्टूडियो को. क्यों लेकिन क्या हो जाए? हाँ, तो आपने अगर ट्रेलर देखा होगा तो ये राजपूतों के ऊपर फिल्म आ रही है ना, वही बताया. लेकिन वो थोड़ा बेस वही है उसके अंदर. आपने आपने एक सीन नहीं सर उछलता नहीं नहीं रिलीज हुई पद्मावती गुजरात की बात करो, राजस्थान में रिलीज हुई नहीं हुई ना, अभी मुंबई में भी नहीं होगी. हाउसफुल 4 मुंबई में रिलीज नहीं होगी, दम में तो खड़ा के दिखा दो. राइट, बराबर. अभी हम हमारी फिल्म लव मैरिज का प्रीमियर शो करके यहाँ पे आ रहे हैं अवार्ड में, और बहुत अच्छा अवार्ड फंक्शन हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा स्पेशली. और अब देखते हैं आगे क्या होते हैं. ये तो बहुत ही बड़ा नाम है दादा साहब फाल्के, इसमें हम आके खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं. मैं भाग्यशाली हूँ और मेरे साथ हैं हमारे दोस्त अमरीश सिंह जी. हम लोग अभी एक फिल्म का ट्रायल देख रहे थे लव मैरिज, इसके ये हीरो हैं और अक्षरा सिंह जी हीरोइन हैं, एक सेकेंड हीरोइन ये भी हैं. तो वहाँ से हम लोग यहाँ आ गए हैं और बस विश कर रहे हैं कि ये अवार्ड सक्सेस हो और हम सब साथ में सक्सेस हो. मैं शुक्रिया करना चाहूँगा यहाँ के मीडिया भाई और दोस्तों का, जो कि आप लोग इतना बढ़िया स्वागत किए आते ही. और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो कि मेरे गार्जियन, मेरे मित्र के गोस्वामी का, क्योंकि मैं नाम सुनता रहा लेकिन आज उस कार्रवाई तक पहुंचा दादा साहब फाल्के अवार्ड में. मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि ये अवार्ड सुपर डुपर हिट रहे और इस अवार्ड का एक अंक और अंश मैं भी बनूं. थैंक यू. नाम है, नाम ही काफी है, वो हमारे इंडस्ट्री के जनक हैं. अगर उन्होंने ये इंडस्ट्री शुरू नहीं की होती, फिल्म मेकिंग शुरू की नहीं होती, हम यहाँ नहीं होते, आप यहाँ नहीं होते, करोड़ों की ये इंडस्ट्री आज नहीं होती. सो हम बहुत शुक्रगुजार हैं उनके. और ये अवार्ड चूंकि उनके नाम पर है तो इस अवार्ड का मिलना हमारे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है, बहुत बड़े सम्मान की बात है. जी कल्याण जी, हाँ, बहुत बड़ा नाम है वो भी. मतलब उन्होंने अपने टाइम में बहुत ही खूबसूरत ऐसा अमर म्यूजिक दिया है, जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया अमर, मतलब हमेशा बना रहेगा. इतना बढ़िया, इतना गहराई के साथ उन्होंने वो म्यूजिक दिया है, हमेशा गुनगुनाने वाला म्यूजिक दिया है. दादा साहब फाल्के अवार्ड आइकन 2019 अपने आप में इतना बड़ा नाम है, मुझे लगता है कि मेरा कोई भी शब्द बहुत छोटा होगा इस अवार्ड शो को ग्रेस करने के लिए. और ये मेरा पहला फर्स्ट टाइम है कि मैं इस अवार्ड का हिस्सा बन रही हूँ और मैं परफॉर्म भी कर रही हूँ, तो ये इसके लिए भी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. बहुत सारे परफॉर्मेंसेस है, अलग अलग गानों पर परफॉर्म कर रही हूँ. और कल्याण जी, अजय जी और स्नेहा जी बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे, और मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इस साल के इस अवार्ड शो में उन्होंने मुझे अपना हिस्सा बनाया. और आप सभी लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा कि आप लोगों ने भी इतना सपोर्ट किया, इतना साथ दिया. बस कौन से गाने पे परफॉर्म करने वाले मैं 3-4 गाने पे परफॉर्म कर रही हूँ, जहाँ पे मेरा जो मेरा बेस है क्लासिकल वो भी है, कुछ वेस्टर्न सॉन्ग है, सूफी सॉन्ग्स भी है, बाकी तो आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा.
थैंक यू। तीसरी बार आ रही हूँ, लुकिंग फॉरवर्ड टू द शो। जब सबसे पहली बार आई थी तो मेरा फर्स्ट अवार्ड था जो मैंने देखा, तो बहुत अच्छी मेमोरीज है। 2 साल हो गई इस बात की, तो इतनी अच्छी मेमोरीज जुड़ी हुई है, इसलिए आ रही हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ। इस बार दूसरी जगह शो हो रहा है और दूसरी टीम के साथ, सो लेट्स सी कैसे करेंगे। जो भी है, इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, इंडस्ट्री मेरी फैमिली है, तो ये अवार्ड भी इंडस्ट्री का हिस्सा है। तो ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी और जिनको भी अवार्ड मिलने वाला है उनके लिए बेस्ट विशेस एंड कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। ये जनक है, आज 100 साल का सिनेमा है, ये नाम अपने आप में वो हर्ष इन हाथों से दिया गया बीज है, जिसकी वजह से आज जो है, आज सिनेमा जो है 100 साल में बरगद का वृक्ष जैसा हो गया है। तो उसका बीज डालने वाले एक तो हम लोग तो इस नाम को एक महामानव की उपाधि देते हैं कि क्या दिमाग में आया होगा। आज लाखों करोड़ों लोग अपने घर की रोजी रोटी चला रहे हैं इंडस्ट्री के माध्यम से, एंटरटेनमेंट के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से। तो दादा साहब को हम सैल्यूट करते हैं, वो हम लोगों के दादा ही हैं। ये हमारे वाकई उपलब्धि की बात है, जैसा राजपाल भाई ने बोला कि इस शब्द के साथ जुड़ना ही अपने आप में, मतलब कौन कितना काबिल है वो तो एक बात की बात होती है, लेकिन आप उस कार्यक्रम में या उस आयोजन में आप शामिल होते हैं, ये कहीं ना कहीं ईश्वरीय उपलब्धि है कह लीजिए, या आपके कुछ ऐसे कर्म हैं जिससे आप सिनेमा के साथ थोड़ा बहुत जुड़े रहे, उस वजह से आपको इसके साथ जुड़ने का अवसर मिल रहा, तो ये हमारे लिए वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि है। दादा साहब फाल्के का नाम जुड़ते से मतलब हमारी खुद की एक लेवल, उस लेवल तक काउंट होने लगती है, तो ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज हमको ये सम्मान दादा साहब फाल्के का आशीर्वाद हमको आज मिल रहा है, और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है उनकी, और अब तो थोड़ा हौसला और बढ़ गया कि और अच्छा काम करना है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि एक ऐसे महत्वपूर्ण कार्य से मुझे जाना था कहीं आज, और जब ये सूचना मिली तो मैं खुद इतने धर्म संकट में पड़ गया कि एक तरफ नाम है एक तरफ काम है, तो हमने कहा काम तो कल भी करते रहेंगे, लेकिन नाम के साथ जुड़ना आज फर्ज बनता है, इसलिए हम लोग सब छोड़ के फिर जो है इस नाम का आशीर्वाद लेने आए। थैंक यू। फाल्के काफी बहुत बड़ा नाम है जो जिन्होंने इंडस्ट्री हमारी शुरू की, जो हमारे इंडस्ट्री के माँ बाप हैं बोल सकते हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि दादा साहब फाल्के को हम जितना भी बोलो वो कम है, उसके लिए कोई वर्ड ही नहीं है। सेम, जिनके लिए कुछ भी बोले कुछ वर्ड ही नहीं है। व्हाट अबाउट दादा साहब फाल्के जो अवार्ड फ्रॉम सुन ये फिल्म सोशल इशू पे है प्रॉपर, और इसमें मैंने एक डॉक्टर का कैरेक्टर प्ले किया हुआ है, एंड बहुत मेहनत किया हम लोगों ने इस फिल्म में। अपने आप में ये अवार्ड में एक बहुत बड़ा नाम है, और वो अवार्ड मिलना हमारे लिए बहुत प्राउड फील करने वाली बात है। और जहाँ तक मेरी बात है, आई एम मेकअप आर्टिस्ट निशा देसाई, और आज मुझे यहाँ पे मेकअप के लिए अवार्ड मिलने जा रहा है दादा साहब फाल्के अवार्ड, सो मैं काफी खुश हूँ ये अवार्ड लेके। जिन्होंने अपना परफॉर्म किया उनको अवार्ड मिलने वाला है, तो ये बड़ी खुशी की बात है, और दादा साहब फाल्के के नाम पे बहुत सारे अवार्ड्स हो रहे हैं, ये और अच्छी बात है, होना चाहिए, और आने वाली नई पीढ़ी को इसका ज्यादा फायदा होगा। कल्याण जी जाना है जी, उसके बारे में क्या कहेंगे? कल्याण जी बहुत मेहनती आदमी है, मैं तो उनके साथ 2-3 फिल्में भी की है, राइटर डायरेक्टर एक्टर डांस डायरेक्टर सब कुछ इंडस्ट्री में एक चर्चा है उनकी, और अच्छा काम कर रहे हैं, और इनका प्रोत्साहन इनको हिम्मत अफजाई के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे। जी सबसे पहले तो मैं कल्याण जी जाना को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। दादा साहब फाल्के एक ऐसा नाम है जिससे कि इंडस्ट्री का कोई भी बंदा नावाकिफ नहीं है,
और कल्याण जी जाना जो कि खुद बहुत ही मेहनती है जैसा पापा ने कहा, और नए लोगों को लेकर के हमेशा नया मौका देते रहते हैं और खुद भी बहुत मेहनत करते हैं। सो मैं इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और ये दुआ देता हूं कि इनका जो ये अवार्ड फंक्शन जिन्होंने शुरुआत की है वो खूब कामयाब रहे और आने वाले सालों में भी ये कंटिन्यू करते रहे। थैंक यू। आई एम ऑलवेज एक्साइटेड आफ्टर बिग बॉस। मैं जितनी बार दादा साहेब फाल्के अवार्ड में आई हूँ और मुझे बहुत अच्छे से नवाजा गया है और बहुत मजा आता है मुझे हमेशा दादा साहेब फाल्के अवार्ड परफॉर्म करने वाली हूँ, बट आई डोंट नो कि मैं साड़ी में परफॉर्म करूँ या फिर मैं चेंज करूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मेरा मूड करेगा मैं साड़ी में करूँगा। माई सिग्नेचर सॉन्ग रश की कमर तक से। देखिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड में ना आई हैव बीन नॉमिनेटेड दिस टाइम, बट द थिंग इज इससे पहले भी मैं आ चुका हूँ और कभी बहुत पहले आता था तो आई वॉज लाइक जस्ट द नॉमिनी काइंड ऑफ गाय, बट अभी अच्छा लगता है। बहुत पुराना अवार्ड है इंडस्ट्री का और एक्टर्स को मोटिवेशन मिलता है एंड आई थिंक एवरी एक्टर हैज़ अ ड्रीम टू कम हियर एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस। मैं सभी जितने भी ऑर्गेनाइजर हैं ना कि कल्याण जी, स्नेहा गोगोई, ऑल्सो अजय जी, सबके लिए बेस्ट विशेस है। एक ही बंदे ने नहीं ऑर्गेनाइज किया, सबने मिलके किया, ये टीम है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हाय, दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड है जिसके लिए मुझे भी बुलाया गया है और मुझे भी अवार्ड दिया जा रहा है। बड़ी खुशी है, एक तो दादा साहब फाल्के इतना बड़ा नाम, हमारे भारतीय सिनेमा को आरंभ करने वाले दादा साहब फाल्के, उनको शत शत प्रणाम। उनके नाम से ही ये अवार्ड है। दादा साहब फाल्के के नाम से बहुत से अवार्ड आजकल आ चुके हैं, मुझे एक अवार्ड ये भी, तो मैं खुशनसीब हूँ ये संस्था मुझे अवार्ड दे रही है। थैंक यू वेरी मच, मे गॉड ब्लेस। Well, my name is Anveshi Jain and today I received the award for Social Influencer of the Year and Persona of the Year award. I think it happened because I became the most Googled after my first web series and I had 20 million desktop searches and 10 million phone searches, which is why I think all this love from you people. And before becoming an actress, I was a dating coach and a human behavior analyst, jahan pe main 29 million audience ko cater kar rahi thi mere videos se. So yeah, it's like an reward. It's like a reward to me, and it's only because of him. Thank you so much. Well. Or I'm very, very grateful and humbled because of this. जैसे कि मैंने आपसे कहा, सबसे पहले तो मेरा जो श्रेय जाएगा, क्योंकि हर चीज़ कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है। तो मेरी भाभी सामने खड़ी हुई है, उनका नाम रीना है, और मुझे अभी अच्छे से याद है कि जब मैं बॉम्बे आई थी तब मेरे पास सिर्फ एक हैंडबैग था, तो इन्होंने मुझे अपने घर पे रखा, 6 महीने मैं इनके साथ रही और उसके बाद मेरी जर्नी शुरू हुई। तो डेफिनेटली उनको जाता है, उसके बाद चीज़ें होती गई, समा बनता गया और आज मैं यहाँ हूँ। और फिर मैं इनसे मिली और इन्होंने मुझे इस चीज़ को नॉमिनेट करवाया एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू हिम। ये झूठ बोल रही है, इसका टैलेंट है ये। बेशक जब भी कोई ऐसी चीज़ आपको मिलती है तो आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं सोसाइटी की तरफ और इंडस्ट्री की तरफ। मेरी फिल्म्स रिलीज हो रही है, उसके अलावा मैं अपनी तरफ से ये वादा करूँगी आप लोगों को कि आप मुझसे कोई भी मेहनत वाला काम करवा लीजिए, कितना भी मुझे एक्ट करवा लीजिए, आप बुलवा लीजिए, एक्टिंग करवा लीजिए, कुछ भी गाना करवा लीजिए, आई एम सिंगर एज वेल, आई एम देयर टू गिव माई 100%। मुझे एक बात अच्छे से पता है कि मेरी ये शुरुआत है और अगर आप अभी मुझसे 10 साल बाद में मिलेंगे आपको ये लड़की ऐसी ही मिलेगी। बैठे बैठे सोचूं कभी मैं तुझे, आंखों को मेरी तू कहीं ना देखे, ऐसे में मैं आवाज दूं तो किसे, हूं यही मैं बड़ा दिन है आज मेरे लिए, बिकॉज इतनी बड़ी शख्सियत के नाम से जो अवार्ड हो रहा है और उसमें
मुझ नाचीज को आपने सिलेक्ट किया जूरी ने और इस काबिल समझा कि मैं ये अवार्ड लूँ, और इस अवार्ड ने अभी और मेहनत करने का मुझे इशारा किया है, और ज़्यादा अच्छे से मेहनत करना और डेडिकेशन के साथ काम करना, तो मैं कोशिश करूँगा कि और अच्छा करूँ इंशाल्लाह। जी हाँ, लेजेंडरी हमारी कोरियोग्राफर रह चुकी हैं और सारे बड़े बड़े स्टार्स उनके शागिर्द रह चुके हैं, उन्होंने बहुत बड़ा अच्छा काम किया है, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है आज यहाँ पे, तो इनके साय में बैठे हम लोग और इनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है और इनके बीच में हमारी भी शिरकत हो रही है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। खुश हूँ कि मुझे ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है, क्योंकि अपने आप में ही जो नाम है इस अवार्ड का, दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड, अपने आप में ही बहुत बड़ा नाम है, और मैं अपने आप को बहुत ही खुश नसीब समझती हूँ कि इस अवार्ड से मुझे सम्मानित किया गया। यस, मुझे मैं बता नहीं सकती हूँ, सरोज जी से आज मैं पहली बार मिली हूँ, और मतलब एक होता है ना लाइक सपना जैसे पूरा हो गया हो, मैंने उनका हाथ पकड़ा और उनके हाथ को चूमा, क्योंकि बचपन से देखते आ रहे हैं, और बहुत ही सीनियर एक्टर यहाँ पर मौजूद थे हिंदी के, उन सबके साथ मुझे ये अवार्ड दिया गया, मैं बेहद ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू, आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी लकी टू बी द पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग अवार्ड सेरेमनी, और मुझे पता नहीं था कि इतने अच्छे लेवल पे ये हुआ है होगा, और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके, और कल्याण जी मेरा दोस्त है जिसने ऑर्गेनाइज किया है ये, सो आई थिंक बहुत अच्छा लगा कि कल्याण जी ने इतना बड़ा बड़े बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइज किया, और बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े दिग्गज आए थे और सभी लोग आए थे, मैं सबसे ज़्यादा खुश हुआ कि सरोज जी आई थी, मास्टर जी आई थी, तो मैं बहुत वार्म फील किया मैंने उनके लिए कि उनके साथ एक अवार्ड सेरेमनी में मुझे भी मिला, उनको भी मिला, और उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया, सो आई थिंक वेरी हैप्पी लकी में एक साथ दो दो चीज़ें हुई हैं, और आप सभी लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने इसको कैप्चर किया। इसमें देखो पहली बात तो कोई दो राय नहीं है कि खुशी का ठिकाना नहीं है, और दूसरी बात यह है कि इतना बड़ा नाम है ये, मुझे नहीं लगता कि मैं इतना काबिल हूँ कि मुझे ये अवार्ड दिया जाए, लेकिन जिस तरह से ये फंक्शन हो रहा है, जिस तरह से इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया गया है, उसमें अगर इस नाचीज का नाम है तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दिस अवार्ड, और इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ, आप सबका आपके आशीर्वाद है, शायद इसी वजह से मुझे ये अवार्ड मिला। थैंक यू। बहुत ही यंग एज में लगे ये नाम हुआ है आपके साथ, कितना प्रेस्टीजियस अवार्ड, बहुत सारे अवार्ड सेलिब्रिटी मिले हैं, मगर ये अवार्ड एक्चुअली मैं अभी मंच पर भी मैंने यही कहा कि ये नाम बहुत प्रेस्टीजियस है, और इस नाम के साथ जो है हमारी इंडस्ट्री का एक गहरा नाता है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में इस नाम को बहुत बड़ी और बहुत अव्वल दर्जे पर आंका जाता है, तो अगर इस नाम के साथ अगर किसी को नवाजा जाए तो वो अपने आप में ही कामयाबी है, अपने आप में ही खुशखबरी है उस कलाकार के लिए, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मैनेजमेंट का, शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका कि मुझे इस नाम से, इस अवार्ड से नवाजा गया। थैंक यू सो मच। सबसे पहले दादा साहब फाल्के एक ऐसा नाम इंडस्ट्री का, हमारे दादा जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री से लेके जितने भी यहाँ पर कलाकार जो आज उनको सम्मान के उनके नाम पे यहाँ पर आए हैं, और जिस प्रकार कल्याण जी और उनके सहयोगी ने इस दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड का आयोजन किया है, ये अपने आप में ऐतिहासिक है, और उनके नाम पे किया है जिन्होंने बॉलीवुड का स्तंभ रखा है, ऐसे लोगों का अवार्ड, उनके नाम का अवार्ड मिलना एक बहुत गौरव की बात है, और आज मैं बिल्कुल ही तहे दिल से बोलना चाहता हूं कि मैं बहुत ही गौरवित महसूस कर रहा हूं, मुझे यूथ आइकॉन के नाम से मिला है, मैं बॉलीवुड में जुड़ा हुआ था कुछ सालों से, मैं बॉलीवुड से हटके सेवा में लगा हुआ हूँ, और जो मेरा प्रयास है उसके लिए लोगों ने जो मुझे प्यार दिया, जो लोगों ने चिन्हित करके मुझे यहाँ पर बुलाया, जैसा घर घर तुलसी, हर घर तुलसी का कार्यक्रम हमने आयोजन किया, ऐसे बहुत से सोशल एक्टिविटीज हैं जिसमें मैं पेड़ लगाने का जो बात होता है उसके लिए भी हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और मैं सेलिब्रिटी लोग से भी आग्रह करता हूँ कि वो लोग भी पेड़ लगाने में और जीवन को और सुंदर बनाने में अपना योगदान दें, और मैं इस पूरे टीम को
तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं कि इतना बढ़िया आयोजन दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड, ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बहुत सम्मान की बात है। सर, हमने आपको हमेशा से देखा कि आप कभी गरीबों की मदद करते हैं, रस्ते के लोग खाना बांटते हैं, कभी बुक बांटते हैं, इस तरह का इंस्पिरेशन आपको कहाँ से आता? सेवा हमारे परिवार में, हमारे समाज में और हमारे संस्कार में है, और जब हमारे परिवार में सेवा का भाव दिखाया जाता है, सिखाया जाता है, वही राह पे चलता हूँ मैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं इसी प्रकार सेवा आगे भी करते रहूंगा। ओके, जैसे कि आज आपके साथ एक बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट है, वहाँ पे गुरुमा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं आज बिग बॉस के बारे में इतना ही बोलना चाहूंगा कि गुरुमा है और मेरे बगल में प्रीति जी है, अनाउंसर है, एंकर है, बहुत अच्छी एंकर है, लेकिन मैं ये बात बोलना चाहूंगा कि आज मुझे बिग बॉस से ये कहना चाहता हूं कि आज जो हमारा जो भारतीय संस्कृति है, वो भारतीय संस्कृति के साथ में आज बिग बॉस खिलवाड़ कर रहा है, जिसको मान्य नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ जो बिग बॉस में आज जो स्थिति पैदा किया गया है, जो हमारे संस्कृति में कभी भी एक मर्द दूसरे महिला के साथ में नहीं रह सकते हैं, और इस प्रकार आज बिग बॉस में दिखाया जा रहा है, ये भारतीय संस्कृति का खिलवाड़ है, जिसको हिंदुस्तान और हम जैसे समाज सेवक कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, जैसे कि आज आपने कई लोगों को आपने अवार्ड भी दिया, कैसा महसूस होता है अवार्ड देना और अवार्ड भी लेना? जब समाज में आप सेवा करने निकलिएगा तो आपको हर तरह का चीजों से सम्मिलित होना पड़ता होगा, आपको देना भी पड़ता होगा, लेना भी पड़ता होगा, तो आज मैं देने में भी बहुत अच्छा महसूस किया, जिस प्रकार फिरोज खान को कल्याण जी ने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से चिन्हित करके लेके आए उसको, और वो जो फिरोज खान है, वो ऐसा लड़का है जो कोई भी आदमी अगर जाता है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में और किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो वो निस्वार्थ सेवा करता है, और उसको सम्मान देना ये बहुत बड़ी बात है। मेरे गुरु विजय देवनाथ के मैं नमस्ते करता हूँ, जिन्होंने डांस सिखाया, स्नेहा दीदी है जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, आशफाक शेख डायरेक्टर है, कलीम भाई हर रोज फोन करते थे, मतलब फोन तो ये दुबई से नहीं करते थे, वो व्हाट्सएप कॉलिंग हम लोग करते थे, कैसा शो हो रहा है, मोहन भाई मुझे रोज कल्याण जी वेरी गुड कीप इट अप, मेरी दीदी है सूरत से आए निशा मैडम, जो मुझे रोज कल्याण जी तू कर मैं तेरे साथ हूँ कर तू, तो निशा मैडम मेरे साथ, मेरी बीबी इधर नेहा, तो जितने भी आज लोग मेरे यहाँ पर खड़े हैं, अजय गोसलिया सर से लेके जितने भी तमाम रियाज इंडिया ने बहुत अच्छा आज कॉमेडी किया है, आज शो इसलिए मुझे सक्सेस हुआ है क्योंकि मेरी माँ यहाँ पर थे और डांस के गुरु सबका माँ सरोज खान मैम यहाँ पे आए थे, तो मेरा शो सक्सेस है। गणेश आचार्य, सरोज खान मैम, राजपाल यादव, तमाम एक्टर आए हैं, बड़े बड़े हस्ती आए हैं, मैं सभी को दिल से धन्यवाद करता हूँ जो टाइम निकाल के मेरे इस शो में आया, मेरे लिए नहीं आए हैं, मैं भी आता हूँ, मेरे लिए नहीं आया, वो आए हैं सिर्फ और सिर्फ दादा साहब फाल्के के लिए आए हैं, क्योंकि मैं नमन करता हूँ उनको जिनके वजह से मैं इस इंडस्ट्री में आया हूँ, एंड थैंक यू सो मच मोहन सर, थैंक यू सो मच कलीम सर, एंड थैंक यू सो मच निशा मैडम, निशा दीदी, थैंक यू वेरी मच, मेरी माँ है, रात को 1 बजे के घर पे गया था हम देने के लिए, कार देने के लिए टाइम नहीं था ना, कार देने के लिए गया, श्रेया दीदी घर में दो बजे तक हम लोग मीटिंग करते थे, श्रेया दीदी घर पे, और नेहा मैडम बोलता कल्याण जी तू कर मैं तेरे साथ हूँ, विजय देवनाथ मुझे रोज फोन करता था, एक काम कर तू ना पुलिस का केस हुआ तो एक काम कर सब जगह पे तू लेटर दे दे पहले, नहीं तो तेरा शो नहीं होने देंगे, रोज रात को मुझे कल्याण जी तूने दिया ना लेटर दे दिया, तो मेरे गुरु विजय देवनाथ यहाँ पर खड़े है, एंड थैंक यू सो मच गुरु जी, आप इतना मुझे एफर्ट किया है, हमारे जो काका है राज खन्ना का, जो पीआर करते थे, जो पीए है, वो हमारे साथ यहाँ पर खड़े, जो बोलते कल्याण जी तू कर मैं तेरे साथ हूँ, तो तमाम लोग यहाँ पर मेरे साथ थे, तमाम लोग, मेरी बीवी, मेरी माँ, मेरी डैडी, रात को 4 बजे मैं घर जाता था, 8 बजे मैं घर से मैं निकल के काम करते थे, मैं सभी दिल से मैं माफी चाहता हूँ जितनी भी मीडिया को, अगर कुछ गलती हुआ तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मीडिया है तो मैं, मीडिया है
तो मैं हूँ, अगर मीडिया ना होता तो मैं गरीबों का एक्टर ना बनता। एक चार तक पढ़ा हुआ अनपढ़ गवार, एक गांव से, गांव से आते हैं, और एक चार तक पढ़ा हुआ एक अनपढ़ गवार आदमी, कचरा छोड़ चुका आदमी की पैर मालिश किया, फूल बेचा, हार बेचा, लोगों के पैर मालिश किया, होटल में काम किया, उसके बाद एक ऐसे इंसान मिला जिनका नाम है विजय देवनाथ। वो उनकी दुआ से मैं डायरेक्ट पर्सन बना, उसके बाद मेरे को पहला ब्रेक मिला, पहला फिल्म बनाया ढूंढ लेंगे मंजिल हम, जो मैं फिल्म रिलीज किया, उसके बाद मैं फिल्म बनाया ड्रीम सिटी मुंबई, मैं हूँ ऑटो वाला, तमाम ऐसे फिल्म, मेरे चार फिल्म आ रहा है नेक्स्ट ईयर में, चार फिल्म मैंने साइन किया है, इनके साहब का मैंने वेब सीरीज मैंने साइन किया है, आशनाथ साहब का, डॉक्टर मुकेश भाटिया यहाँ पर है, तो तमाम थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूँ ऑफर दिया आपको मनोज साहब ने, मुझे ऑफर दिया, मैं चाहता हूँ कलीम साहब कुछ बोले, कलीम साहब कुछ बताइए। हाँ आइए आइए मोहन साहब। सलामुअलैकुम, मैं शेख कलीम हूँ, दुबई से आया हूँ। कल्याण जी ने जो शो किए हैं बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरी लाइन है इवेंट्स, फिल्म इंडस्ट्री, रेसलिंग, ये सारा चीज़ है। अगर अनंत जी कल्याण जी के लिए अगर करना चाहते हैं तो मैं दुबई में नेक्स्ट ईयर यही शो सेम एक आदमी रहते हुए भी इतना बड़ा शो करना कोई मामूली बात नहीं, इसके लिए कम से कम 100-200 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। फिर भी इन्होंने जो किया बहुत बड़ा शो किया, बहुत अच्छा किया। कुछ होती है, हर बड़े अवार्ड शो में भी कोई प्रॉब्लम होता है, नहीं होता है बल्कि नहीं, हर चीज़ में होती है, शादी करो उसी में भी होती है, फिल्म करो उसी में भी होती है, किसी में भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बहुत अच्छा शो, बहुत अच्छा शो किया। वो जहाँ भी है देख रहे हैं, देखिए उनके साथ कौन है, और एक बार क्या देख लीजिए, अभिषेक मिश्रा और उसके डैड अब तक पुलिस के सामने नहीं आए हैं, और उन्होंने जब केस हम लोग पे दर्ज किया था तब उनके जो भी इम्प्लॉइज थे, उनके हाथ के नीचे काम करते हैं, वो अभिषेक मिश्रा बनकर वहाँ पे गए थे। आज तक ना पुलिस ने अभिषेक मिश्रा को देखा है, ना उनके पिताजी को देखा है। अब उनके जो पिताजी है उनके ऊपर ऑलरेडी केस बना था 2014 में, जो पीएम मोदी जी का वो तोड़कर वो अंदर गया था, फोटो लेता रूल्स और रेगुलेशन तोड़कर फोटो खींचने के अंदर गया था, उनको अरेस्ट किया था उसको, तो ये सब पुलिस को। हाँ, वो अनिल मिश्रा है, उसके पिताजी है अनिल मिश्रा, पिताजी है उसका अनिल मिश्रा, और उसका बेटा का नाम है अभिषेक मिश्रा। अच्छा, आप क्या करने वाले हैं? हो गया अपना काम, आप क्या करना है? अभी पुलिस को उनकी सच्चाई पता चल गई है, अभी वो हमारे ही फेवर में है, और हम लोग अभी शो के इसमें बिजी थे इसलिए हम उनके ऊपर केस नहीं कर पाए। उनकी बारात निकाली है अभी, हम इसके बाद उनकी, उन्होंने जो हमारे ऊपर केस किया था, झूठा केस किया था एक्चुअली, वो उनके ऊपर दोबारा फिर घुमाने वाले हैं, तो मतलब अभी पुलिस हमारी फेवर में है, बिकॉज हम लोग सच्चे हैं और हमारे पास पूरा रजिस्ट्रेशन है इस चीज का, इस शॉपिंग का, इस शो का, और जिन्होंने हमारे ऊपर केस किया था इन्होंने सिर्फ आई डोंट नो क्यों किया था और क्या दुश्मनी निकाला था ये नहीं पता, क्योंकि उनका खुद का ये ट्रॉफी उनका नहीं है, उन्होंने जो ट्रॉफी बोला था कि हमारी ट्रॉफी आपने छीन लिया है वो उनका खुद का भी नहीं है, वो किसी और का है, हर्ष नाम करके एक व्यक्ति है जो दादा साहब फाल्के, हर्ष गुप्ता नाम के एक व्यक्ति है जो हम जिन्होंने दादा साहब फाल्के शुरुआत किया था, आज भी शुरुआत किया था वेस्टर्न इंडिया में। हाँ, वेस्टर्न इंडिया उन्होंने मतलब ये यहाँ पे मुंबई में उन्होंने स्टार्ट किया था, और उन्होंने वो कर रहे थे, और उनकी वो ट्रॉफी जो रजिस्टर थी ऑलरेडी वो रजिस्टर थी, और उन्होंने भी हम लोग को बोल दिया, और हर्ष जी ने भी हम लोग को बोल दिया कि कल्याण जी तुम उन पे केस करो, क्योंकि ये ट्रॉफी मेरी थी, मैंने भी उस आदमी पे केस किया था जब उन्होंने हमारी ट्रॉफी छीन ली, तो वो खुद एक फ्रॉड है, लेकिन उन्होंने हम लोग को फ्रॉड साबित करने की कोशिश की थी, बट अभी पुलिस भी हमारे फेवर में। Thank you, sir. Thank you. 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 Thank you so much, Mr. Thank you so much.